किसने आपका अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तुम मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। मैं बीजेपी के लिए वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आप मेरे कहने पर बीजेपी को वोट मत देना, आप अपना मान सम्मान और हितों को ध्यान में रखकर ही वोट देना। तस्वीरें और बयान है उमा भारती का और मौका है लोधी समाज के सम्मेलन का, जहां बीजेपी को वोट ना देने की अपील करते हुए दिखाई दी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है लोधी समाज के लोगों से। उन्होंने कहा है कि चुनाव में मैं बीजेपी के लिए वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आप मेरे कहने पर बीजेपी को वोट मत देना, आप अपना मान सम्मान और हितों को ध्यान में रखकर वोट देना, मैं अपनी तरफ से आपको स्वतंत्र करती हूँ। जिसने आपका अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तुम मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, नहीं आऊंगी। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि 25 दिसंबर को लोधी समाज का सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था, जहां पर उमा भारती पहुंची थी। लोधी समाज के सम्मेलन में संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, इसीलिए सबसे बीजेपी के लिए वोट मांगती हूं, आपसे भी वोट मांगने के लिए आऊंगी, लेकिन आपको अपने हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन में नहीं बंधे हैं, मैं अपनी तरफ से आप सभी को यानी कि लोधी समाज के लोगों को स्वतंत्र करती हूँ। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उमा भारती की नाराजगी बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार से देखी जा रही है। बता दें कि उमा भारती के मुंह भोले भाई प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद प्रीतम लोधी ने पार्टी के खिलाफ अभियान की शुरुआत भी की। इस अभियान के कारण उमा भारती को पार्टी के भीतर ऐसा माना जा रहा है कि टारगेट किया गया। वहीं पिछले दिनों उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश की शराब नीति को लेकर भी उमा भारती काफी मुखर है। शिवराज सरकार और शिवराज सरकार की शराब नीति को वो अक्सर सवाल जो है उस पर उठाते रहती है। साथ ही शराब नीति को लेकर आंदोलन करने की भी बात करती दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल उमा भारती का ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है और बीजेपी के लिए झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि लोधी समाज उमा भारती की नाराजगी बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।